ग्वारी घाट स्थित सिद्ध गणेश मंदिर, जिसे अर्जी वाले गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गणेश उत्सव पर भक्तों की धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। GIF में राजभाषा पखवाड़े का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। इस मौके पर अधिकारी कर्मचारियों ने कार्य के दौरान हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने का संकल्प लिया। शासन के निर्देश पर बुधवार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित समस्त कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां आरंभ कर दी गई हैं। हालांकि छात्र छात्राओं को कॉलेज में पढ़ने आने के लिए अभिभावक अनुमति पत्र सहित कोरोना के प्रथम डोज का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। शहर में डेंगू की बीमारी पूरी तरह पैर पसार चुकी है। इसके बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जिला अस्पताल से जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को डेंगू से बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया। नगर निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों एवं विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग सरकारी संगठनों ने की है। साथ ही कोरोना काल में दिवंगत हुए निगम कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग भी निगम प्रशासन के सामने रखी। प्रदेश सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के दिए जख्मों पर मरहम तो लगा नहीं पाई, अब डेंगू के जरिए जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है और जनता दर्द से कराह रही है। विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों में उस वक्त आक्रोश देखा गया जब अचानक सीरेंज खत्म हो गई, जिससे काफी देर के लिए वैक्सीनेशन रोकना पड़ा। बाद में सीरेंज आने पर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मनेरी स्थित भूमिजा स्टील प्लांट में एक बार फिर से बॉयलर से लोहा पिघलाने के कार्य के दौरान पाइपलाइन फटने से 3 मजदूर गर्म लोहे की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। मजदूरों को उपचार के लिए जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि लगभग 7 महीने पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शासन के निर्देश पर बुधवार से शुरू हुआ कॉलेजों में अध्यापन का कार्य। अध्यापन के लिए अभिभावकों की अनुमति और कोरोना के पहले डोज का प्रमाण पत्र किया गया अनिवार्य। डेंगू से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाने विक्टोरिया से निकाली गई जागरूकता रैली। रैली के जरिए डेंगू से बचाव के तरीकों की दी गई जानकारी। और सरकार पर नाकामियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश रैली। कांग्रेस ने कहा चौपट स्वास्थ्य सेवाओं और लचर सफाई व्यवस्था के कारण कराह रही है जनता। ग्वारीघाट स्थित सिद्ध गणेश मंदिर, जिसे अर्जी वाले गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गणेशोत्सव पर भक्तों की धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर अर्जी लगाने से भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, लिहाजा वर्ष भर यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन गणेशोत्सव पर गजानन की विशेष आराधना का सिलसिला 10 दिनों तक जारी रहता है। अर्जी वाले गणेश के नाम से मशहूर ग्वारीघाट स्थित सिद्ध गणेश मंदिर में गणेशोत्सव पर पार्वती नंदन की विशेष आराधना का क्रम जारी है। भक्तों द्वारा रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता गणपति की आराधना कर अपनी मनोकामना पूरी करने को लेकर अर्जी भी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अर्जी लगाने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। श्री गणेश भगवान जी के चरणों में दर्शन करने के लिए आए थे और हम अपने परिवार और समाज के हित के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान सबको सद्बुद्धि और ज्ञान दे। समाज हमारा एक परिवार है, समाज में परिवार को हर किसी को सद्बुद्धि ज्ञान दे कि परिवार को परिवार जैसे समझ के चले, यही भगवान से मैं प्रार्थना करने आया था। भगवान के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए आया था। बहुत प्राचीन मंदिर है जबलपुर का, गणेश भगवान जी का सबसे सिद्ध स्थान है और यहाँ लोग लाखों लोग आना जाना जिनका बना रहता है और दर्शन करने आते हैं और यहाँ पुण्य लाभ लेते हैं। विशेषताएं तो यहाँ पर बहुत हैं, जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आता है वो पूर्ण होती हैं, ऐसा गणेश भगवान का ऐसा वरदान है। मंदिर आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, अर्जी लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ में माँ नर्मदा के दर्शन करते हैं और साथ में बाहर से लोग भी आते हैं, बॉम्बे से, बाहर भोपाल से, बाहर जिलों से, बाहर प्रदेशों से भी लोग आते हैं। 10 दिनों में दर्शन करते हैं और अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। अर्जी लगाने वालों में अपने व्यापारी वर्ग भी है, स्टूडेंट वर्ग भी है और साथ में अपने जो मनोकामना लेके आते हैं, संतान के प्रति भी अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी अर्जियां पूरी होती हैं।
बताया जाता है कि जिस समय इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था उसी दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा खुदाई में मिली थी। वहीं निर्माण के दौरान कई बाधाएं भी आई, लिहाजा मंदिर निर्माण के लिए अर्जी लगाई गई, तब जाकर मंदिर बन सका और तभी से इस मंदिर में अर्जी लगाने का सिलसिला हो गया। यह मंदिर जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है वह लोगों की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। भक्तगण यहाँ पर अपनी इच्छित मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ जो मंदिर में रजिस्टर है उसमें अपनी मनोकामना लिखाते हैं और उसके बाद उसकी प्रार्थना भगवान गणेश जी के समक्ष की जाती है। ऐसा भक्तों का मानना है कि गणेश जी उनकी जो है प्रार्थना शीघ्र ही सुनते हैं और यह गणपत जन्म महोत्सव का अवसर जो है अपने आप में स्वयं सिद्ध समय रहता है और इस समय पर की गई प्रार्थना निश्चित रूप से जो है शीघ्र ही पूर्ण होती है। अभी तक 180,000 से ज्यादा लोग मंदिर में अर्जी लगा चुके हैं। GIF में राजभाषा पखवाड़े का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। इस मौके पर अधिकारी कर्मचारियों ने कार्य के दौरान हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने का संकल्प लिया। ग्रे आयरन फाउंड्री में राजभाषा पखवाड़ा का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। फैक्ट्री महाप्रबंधक अजय सिंह ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया और साथ ही पखवाड़े के दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। सरकारी कि टाइपिंग नहीं होगा, हिंदी टाइपिंग करना हमेशा। शासन के निर्देश पर बुधवार से रानी दुर्गवती विश्वविद्यालय सहित समस्त कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां आरंभ कर दी गई हैं। हालांकि छात्र छात्राओं को कॉलेज में पढ़ने आने के लिए अभिभावक अनुमति पत्र सहित कोरोना के प्रथम डोज का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। शासन के निर्देश पर कॉलेजों में भी अध्ययन अध्यापन का काम बुधवार से आरंभ हो गया है। हालांकि पहले दिन कॉलेजों में उपस्थिति कम रही लेकिन कई छात्र छात्राओं ने कॉलेज पहुंचकर पढ़ाई की। सर आज से कॉलेज स्टार्टेड हो गए हैं तो हम लोग कोरोना का ये गाइडलाइन का पूरा ध्यान में रखते हुए अपना कॉलेज अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। कॉलेजों में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य किया गया है और साथ ही कोरोना के पहले टीके का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। शासन के आदेशानुसार सभी महाविद्यालयों में आज से विद्यार्थियों का आवागमन प्रारंभ हो गया है, लेकिन उसके साथ ही कोरोना नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश हैं। हर व्यक्ति अपना मास्क लगा के आएगा, सैनिटाइजर लेकर आएगा, साथ ही यदि उसने जो वैक्सीन लगाई है उसका सर्टिफिकेट भी और अपने गार्जियंस का अभिभावकों का सहमत पत्र भी लाएगा तभी उनको कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। वही अध्यापन कार्य के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन कराने पुख्ता इंतजाम रहे। शहर में डेंगू की बीमारी पूरी तरह पैर पसार चुकी है। इसके बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जिला अस्पताल से जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को डेंगू से बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया। रैली को कैंट और उत्तर मध्य विधायक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डेंगू के बढ़ते कहर के मद्देनजर जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को डेंगू जैसी घातक बीमारी से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला अस्पताल से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कैंट विधायक अशोक रूहानी और उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी अपने साथी भाइयों से और अपनी छात्राओं से निवेदन करता हूं कि इस रैली को जोरदार नारे लगा के यशस्वी और सफल बनाएंगे। CMHO डॉक्टर रत्नेश कुरारिया और विधायक अशोक रूहानी ने बताया कि जिस तरह से लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए एहतियात बरतने की आवश्यकता है, लिहाजा इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिससे इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। जबलपुर शहर में डेंगू और वायरल बुखार और मौसमी बुखार के एकदम पैर पसारने से प्रशासन के द्वारा
विक्टोरिया और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में माननीय विनायक सक्सेना जी विधायक एवं डी एस ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोगों को जन जागरूक करने के लिए आज रैली का शुभारंभ किया है। प्रशासन अपने स्तर पर जो सुविधाएं हैं, जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी अपने यहाँ के कूलर्स और जो गंदगी है उसको दूर रखने के लिए और लावा मिटाने के लिए कूलर हटाना पड़ेंगे। ऐसी मेरी अपील है कि ये डेंगू से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बचाव के लिए अपने को सावधान रहना है। आज एक जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है, उद्देश्य यह है कि डेंगू से लोग बड़ा भयभीत ना हो, समुचित बचाव रखें, पानी एकत्रित ना होने दें, पूरी बांह के कपड़े पहनें और स्वयं को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें। इस हेतु जो रैली निकाली जा रही है वो विक्टोरिया से मालवीय चौक होते हुए फुहारा होते हुए पुनः इसी स्थान पर समाप्त होगी। विक्टोरिया से निकाली गई रैली का बड़ा फुहारा मालवीय चौक से होते हुए विक्टोरिया में समापन हुआ। नगर निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों एवं विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर्मचारी संगठनों ने की है। साथ ही कोरोना काल में दिवंगत हुए निगम कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग भी निगम प्रशासन के सामने रखी। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से एक मांग पत्र अपर आयुक्त परमेश जलोटे को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना काल में दिवंगत हुए समस्त निगम कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, साथ ही संविदा और विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने पद खाली है आपके पास? हमारे यहाँ 500 विनियमित कर्मचारी है, क्या आप उनको नियमित कर पाएंगे? इसके अलावा हमारे यहाँ जो संविदा कर्मचारी हैं, 400 कुछ कर्मचारी है हमारे यहाँ संविदा, पिछले 10 साल हो गए उनको संविदा पे काम करते हुए, वो आज तक उसी वेतन पे काम कर रहे हैं, तो उनका वेतन जो सरकार ने 90% कर दिया है वो निश्चित रूप से बढ़ाया जाए। निगम कर्मियों की संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि लंबित मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। प्रदेश सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के दिए जख्मों पर मलहम तो नहीं लगा पाई, अब डेंगू के जरिए जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है और जनता दर्द से कराह रही है। लचर स्वास्थ्य सेवाओं एवं चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, उसे जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, उस पर बीमारियों का कहर अलग बरस रहा है, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं चौपट हैं, सरकार को जनता की परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की निकम्मा सरकार जिस तरीके से पूरे विधानसभा क्षेत्र में अनाप शनाप बिल वसूल कर रही अस्पताल, गरीब कोरोना में लुटा है और फिर लुटने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की कुंभकर्णी नींद टूट नहीं रही है, उसको जगाने के लिए हम निकले हैं। सरकार कोरी बातें कर रही है, जब बिस्तर की ज़रूरत थी तब दिया नहीं, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तब दी नहीं, जब इंजेक्शन की ज़रूरत थी तब दी नहीं, जब वैक्सीन की ज़रूरत थी तब दी नहीं, आज डेंगू में जब पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा, अब सरकार कह रही है कर कुछ नहीं रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि सरकार यदि समय रहते नहीं जागती है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों में उस वक्त आक्रोश देखा गया जब अचानक सीरेंज खत्म हो गई, जिससे काफी देर तक के लिए वैक्सीनेशन रोकना पड़ा। बाद में सीरेंज आने पर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को काफी देर इंतजार करना पड़ा। दरअसल वैक्सीनेशन के दौरान ही सीरेंज समाप्त हो गई, जिसके कारण वैक्सीनेशन रोक दिया गया, लिहाजा लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना था कि वैक्सीन के साथ ही पर्याप्त मात्रा में सीरेंज उपलब्ध कराना चाहिए था, जिससे समय पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। अरे एक घंटे से आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने, सीरेंज खत्म हो गई है, बोल रहे हैं सीरेंज आएगी, दरवाजे बंद कर दिए, समय खराब हो रहा है, काम छोड़ के आए? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है।
वैक्सीन का टाइम 5 बजे तक का है, लेकिन वैक्सीन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। हम काफ़ी देर से यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के लिए कोई यहाँ पे जवाब देने वाला नहीं है, तो ये गलत है। दरवाजे लगा लिए और दरवाज़ा लगा के बंद करके चले गए हैं, और हमें बोला आप लोग इंतजार करिए, हम लोग आ रहे हैं। एक बार लगी, दोबारा लगवाना सर। अभी क्यों नहीं लगी आपको? जी अभी क्यों नहीं लगी आपको? अभी सर बोल रहे हैं सीरीज नहीं है, यहाँ हो गए हमको सब 2-3 घंटे। 2-3 घंटे हो गए, वैक्सीन नहीं लगी आपको? अभी नहीं लगी। काफी देर बाद जब सिरिंज आई तब वैक्सीनेशन शुरू हो सका। मलेरी स्थित भूमिजा स्टील प्लांट में एक बार फिर से बायलर से लोहा पिघलाने के कार्य के दौरान पाइपलाइन फटने से 3 मजदूर गर्म लोहे की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। मजदूरों को उपचार के लिए जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 7 महीने पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। मनेरी स्थित भूमिजा स्टील प्लांट में हुए हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टील प्लांट में सुपरवाइजर नीरज ने बताया कि मंगलवार की शाम बायलर से लोहा पिघलाने का काम किया जा रहा था, उसी बीच तरल लोहा निकालने वाली पाइपलाइन फट गई और इसकी चपेट में मजदूर शंकरलाल आकाश और सुरेश यादव आ गए और बुरी तरह झुलस गए। प्लांट के अंतर्गत टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मट्टी से ब्लास्ट हुआ, उसमें 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक शंकर लाल हैं, दूसरे एक का नाम विकास शाकित और एक और है सुरेश यादव। 3 लोग घायल हुए, जिसमें पूर्णतः इलाज कंपनी करा रही है। कहाँ कहाँ टूटे हैं जी? कहाँ कहाँ टूटे हैं? एक को पेस्ट में चेस्ट में है, एक का पैर में है और दूसरा का थोड़ा सा हाथ में है और पैर में है। मतलब भट्टी जब फूटा था ना, भागे थे तो डर से गिर गए थे ऊपर से, वो टूट गया है, भट्टी फूटा था। पैर में। बताया जा रहा है कि 7 महीने पूर्व भी पाइपलाइन फटने से हुए हादसे में 1 की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।